बाड़मेर में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने स्वर्गीय गंगाराम की पोती प्रियंका चौधरी का टिकट काटकर दीपक कड़वासरा को दे दिया था। इसके बाद टिकट नहीं मिलने के गम में डूबे प्रियंका चौधरी की आंखों से जब आंसू निकले तो पनाणियों की तला स्थित मठ के मठाधीश जगराम पुरी जी महाराज ने आगे आकर अपनी शिष्या प्रियंका चौधरी को खुला समर्थन देते हुए निर्दलीय चुनाव लड़वाने का ऐलान करवा दिया। इसके बाद प्रियंका चौधरी ने कहा कि बाड़मेर की पूरी जनता से मेरी अपील है कि आपकी बेटी आपके भरोसे पर ये झोली आपके सामने फैला रही है, हो सके तो इस बेटी की झोली भर देना। आपके भरोसे पर बाड़मेर में चुनाव लड़ रही हूँ। मेरे किसी भाई ने कहा था कि मैं आपका मायरा भरूंगा, अब मालूम नहीं वो भरेंगे कि नहीं, लेकिन बाड़मेर की जनता को ये करना होगा। ये शब्द थे बाड़मेर के निर्दलीय प्रत्याशी प्रियंका चौधरी के, जब वो इन विधानसभा चुनावों में बाड़मेर से अपनी दावेदारी पेश कर रही थी और भाजपा से यहां से दीपक कड़वासा को पार्टी ने मैदान में उतारा था। मगर चुनौती यहां प्रियंका के लिए दीपक नहीं बल्कि कांग्रेस के मेवाराम जैन थे, जो लगातार बाड़मेर से विधायक बन रहे थे। उन्हें हराने के लिए प्रियंका ने इस बार हर वो कोशिश की जो उन्हें यहां जीत के करीब ले जा रही थी। जनता के साथ साथ प्रियंका को जगरामपुरी महाराज के साथ कई साधु संतों का साथ मिला, जो चुनावी कैंपेन में उन्हें समर्थन देते नजर आ रहे थे। प्रियंका चौधरी ने इस सीट से कांग्रेस के लगातार विधायक रहने वाले मेवाराम जैन को कड़ी टक्कर देते हुए 13,122 वोटों से जीत हासिल की है। बता दें, प्रियंका चौधरी बाड़मेर के दिग्गज जाट नेता, पूर्व विधायक एवं मंत्री गंगाराम चौधरी की पोती है। प्रियंका ने बाड़मेर विधानसभा सीट से 2013 में भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ा था मगर हार गई थी। 2018 में भी बाड़मेर विधानसभा सीट से सबसे मजबूत नाम प्रियंका चौधरी का ही निकल कर सामने आ रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर टिकट काट दिया गया। इस बार भी यही हुआ, प्रियंका की जगह दीपक को टिकट मिला मगर यहाँ